हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी के पास फोटो या वीडियो को फुल साइज में भेजना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी बड़े बड़े फोटो या वीडियो को किसी के पास भी भेज सकेंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए मैं ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, व्हाट्सएप पर बड़े बड़े फोटो या वीडियो को फुल साइज में भेजने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप जिस कॉन्टैक्ट पर फोटो या वीडियो को भेजना चाहते हैं उस कॉन्टैक्ट को ओपन कर ले। तो चलिए मैं अपने ही दूसरे कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप नीचे की ओर नज़र आ रहे मैसेज बॉक्स में ही राइट साइड में नज़र आ रहे अटैचमेंट वाले आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से बहुत सारा ऑप्शंस आएगा, तो आप डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस आएगा, तो आप सबसे ऊपर नज़र आ रहे ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप फाइल में से फोटो लेने के लिए या वीडियो लेने के लिए ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस आएगा, तो आप वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद चलिए किसी एक फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जिन फाइल में से सेलेक्ट करना चाहते हैं वीडियो को, उस फाइल को सिलेक्ट कर लें। क्लिक करके, क्लिक करने के बाद इस तरह से वीडियो आ जाएगा। अब आप जिस वीडियो को भेजना चाहते हैं अपने अनुसार भेज सकते हैं। तो चलिए मैं इनमें से किसी एक को भेज के दिखाता हूँ। तो सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये चला जाएगा फुल साइज में। ये वीडियो है, जा रहा है मेरे दूसरे वाले कॉन्टैक्ट पर। वहीं अगर आप फोटो भेजना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से नीचे की ओर नज़र आ रहे अटैचमेंट वाले आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में कॉर्नर के पास नज़र आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैं फेसबुक फाइल से फ़ोटो भेज के दिखाता हूँ। आप जिन फाइल में से फ़ोटो भेजना चाहते हैं फुल साइज का, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक फुल साइज का मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है। इस पर ही क्लिक करते हैं और भेज देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ़ोटो चला गया है, और दिखा देता हूँ, देख सकते हैं वीडियो भी चला गया है। तो चलिए दूसरे वाले कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे, देख सकते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं आ चुका है। अभी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं फुल साइज में आया है, देख सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फुल साइज में, देख सकते हैं फोटो आ गया है। सो फ्रेंड, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी फुल साइज में फोटो और वीडियो को किसी के पास भी भेज सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।